अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आपके दोस्त खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर बाब नंबर दोम का चैप्टर नंबर थ्री हम पढ़ेंगे, अकीदा आखरत। मुकम्मल तौर पर आपको इसकी मशक हल करवाएंगे बेटा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके अच्छे तरीके से समझ आ सके। बगैर वक्त दे के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ MCQ शेयर करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो ये मशक है जी, दुरुस्त जवाब पर का इंतखाब करें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड के पेपरों में आप लोगों ने वो बबल फिल करनी होती है। वो हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। पहला सवाल है जी, मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल है। तो सबसे पहली मंजिल जो है इंसान की, वो आलम बरज़ख है, ठीक है। आप लोगों को ये बाद में दिखा भी देंगे पीछे। अकीदा तौहीद और रिसालत के साथ बुनियादी अहमियत कामिल है। अकीदा तौहीद सबसे पहले, अकीदा रिसालत दूसरा, और अकीदा है आखिरत। अकीदा आखरत, ये आखरत पर ईमान, ठीक हो गया। तो नशर का मैनी है मौत के बाद जिंदा करना, ये पहला। अच्छा, चौथा है जी हमारा, हशर के दिन मुंह काफिर चलेंगे मुंह के बल, ठीक हो गया, मुंह के बल। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ लाएंगे, तो आपके दाएं तरफ होंगे वह हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो ये हमारे मुकम्मल हुए हैं 5 MCQs। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें, तो आप लोगों ने पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मकाम महमूद पहला, हौज़े कौसर दूसरा सवाल, जन्नत की नेमतों के बारे में एक आयत, और मीज़ान किसे कहते हैं, और अकीदा आखरत पर ईमान के दो तकाज़े, ठीक हो गया। पहला मकाम महमूद और दूसरा हौज़े कौसर, ठीक है। चलते हैं, पहला मकाम महमूद जी, मकाम महमूद यहाँ से करना है। मकाम महमूद शफात का मैंने सिफारिश, शफात के दो किस्में, पहले शफात कुबरा और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहाँ तक। ये पहला सवाल हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल जो था वो था हौज़े कौसर। तो हौज़े कौसर जन्नत के उस हौज़ का नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत अता किया जाएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उससे सैराब होगी। क़यामत के दिन जो उससे पानी पी लेंगे वो खुशबख्त होंगे, यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तो इसके अलावा हमारा तीसरा सवाल था तकरीबन जन्नत की नेमतों के बारे में, जन्नत की नेमतें, तीसरा जन्नत की नेमतें ये है। जन्नत बे इंतहा खूबसूरत मुकाम है, और जहां इंसान को वो कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। तो ये आयत का तर्जमा भी करना है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा सवाल है वो ये है जी कि मीज़ान किसे कहते हैं। मीज़ान तराजू को कहते हैं, और अमाल के वज़न के लिए क़यामत के दिन जो जो मीज़ान नसब की जाएगी उसका हार पलड़ा इतनी वसत रखेगा जैसे मशरक व मगरब के दरमियान जगह है, यानी। तो ये चार हो गए हमारे। तो इसके अलावा अकीदे आखरत और ईमान के दो तकाजे जो है वो ये है, ऊपर वाला पेज नंबर 17 पर आप लोगों ने देख लेना है। अकीदे आखरत पर ईमान का तकाजा ये है कि हम ज़िंदगी में आखरत की फ़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें, गुनाहों से बचें, अल्लाह ताला और हकूक लिबाद का ख्याल रखें। उन्होंने दो पूछे, तो ये हमारा जी 5 हो गए, ठीक है। 5वां भी मुकम्मल हुआ। अब अकीदे लॉन्ग क्वेश्चन, अकीदे आखरत ये वाला, अकीदे आखरत पर एक जामे नोट लिखना है आप लोगों ने। तो अकीदे आखरत पर एक जामे नोट लिखने के लिए आपको ये चाहिए कि आप लोगों ने करना है अकीदे आखरत, अकीदे आखरत की पहले डिफाइन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मरने के बाद जो दोबारा ज़िंदगी होती है उसे आखरत ही कहते हैं। इस्लाम ने अपने मानने वालों को नई ज़िंदगी का दिया, यहाँ से करना है ये पहले, यहाँ से फिर आप लोगों ने छोड़ देना, और ये करना है आलम बरज़ख यहाँ तक, उसके अलावा नशर, ठीक है। तो ये यहाँ तक नशर करना है, हश्र नशर और मकाम महमूद यहाँ तक करना है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से छोटे छोटे कर लेने हैं टॉपिक, हौज़े कौसर यहाँ तक करना है, और मेज़ान करना है आप लोगों ने, और जन्नत, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के मुकम्मल हो जाएगा एक्सरसाइज। तो और लास्ट में ये वाली चीज़ आप लोगों ने ये तर्जमा लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।